जिला धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर राजू शर्मा के साथ। बाड़ी घुमट तिकोनिया क्षेत्र में करोड़ों की दुकानों और गोदामों को पालिका ने कराया खाली। 30 साल से कर रखा था आरोपियों ने कब्जा, कोर्ट के आदेश पर लिया एक्शन, लगाई सील। मौके पर दुकानदारों से हुई बहस, लेकिन पालिका प्रशासन पड़ा भारी, चेयरमैन प्रतिनिधि की भी दुकान शामिल। बाड़ी 15 दिसंबर शहर के नगर पालिका प्रशासन द्वारा शुक्रवार को कोर्ट के आदेश पर घुमट तिकोनिया क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए करीब 30 साल पुराने कब्जे के मामले में 21 दुकान और 2 गोदाम को खाली कराया है। उक्त दुकानों और गोदाम पर लोगों ने कब्जा कर रखा था, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट के आदेश पर नगर पालिका प्रशासन ने कार्रवाई की है। 3 दिन पूर्व सभी दुकानदारों को नोटिस भी जारी किए थे, जिनमें 3 दिवस में दुकान खाली नहीं करने पर कार्यवाही की चेतावनी दी थी। ऐसे में नगर पालिका प्रशासन और सफाई कर्मियों के समान साथ तमाम कर्मचारी जब घुमट तिकोनिया क्षेत्र में कार्रवाई करने पहुंचे तो दुकानदारों के साथ लोगों में हड़कंप मच गया और मौके पर कार्रवाई को देखने के लिए अपार भी जमा हो गई। ये माननीय न्यायालय के आदेशों के द्वारा करीब 25-30 लगभग 30 साल पुराना कब्जा था, नगर पालिका की दुकानें थी और न्यायालय के कोर्ट के द्वारा निर्णय के द्वारा आज खाली कराने के और इनको सील 21 दुकान और 2 गोदाम को सील कर दिया गया। आगे क्या प्रक्रिया रहेगी इसकी? आगे इनकी दुकानों को डिसमेंटल करके और बाउंड्री करा दी जाएगी।